page of cups and the hangman okay all this is there. okay nine of swords Of wands. Four of Pentacles. ओके okay, ये आया है इसे भी देख लेते हैं सिक्स ऑफ Pentacles. Emperor, okay Justice. तो थोड़ी और हम यहाँ पे space बना लेते हैं ओके okay. तो अगर देखा जाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं यहाँ पर तो अगर वो जो भी हैं ठीक है फीमेल हो मेल हो ठीक है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपसे अटैच हैं आपके साथ उनका बहुत लगाव है यहाँ पे नज़र आ रहा है बट कहीं ना कहीं वो नाइन ऑफ सोट्स पे मेरी नज़र पड़ी है अभी और ऐसा लग रहा है कि वो आपको भी उतना ही याद करते हैं जैसे आप हो यहाँ पे तो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह आप फील करते हो और उन्हें याद करते हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए वैसे ही परेशान होते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं ठीक है और द हैंगमैन मुझे ये बता रहा है कि शायद वो तो अपने काम वाम पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी वो बस ऑल टाइम कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं आपके बारे में ही और परेशान रहते हैं कि वो आपसे कब मिलेंगे कब आपकी मुलाकात होगी बहुत मिस कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ निगेटिव चीजें हैं जो उनको परेशान करती हैं और रिलेशनशिप को हो सकता है डर है उनका कुछ ठीक है जो चीजें उन्हें परेशान करती हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे ठीक है और अभी ऐसा लग रहा है कि वो सब काम वाम छोड़ के अभी सिर्फ और सिर्फ आप पे आपके बारे में सोचते हैं और उतना अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, काम पर और आपकी मैसेज का वेट करते हैं पेज ऑफ कप से बता रहा है कि शायद वो मैसेज या कॉल कब आएगा आपका उस चीज़ का वेट करते हैं और अभी कोई काम वाम नहीं कर उनका काम में मन नहीं लग रहा कर भी रहे तो उनका मन नहीं लग रहा उनके दिमाग में पूरे टाइम यही सब चल रहा है कि आप क्या कर रहे होगी और आपका मैसेज कब आएगा कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया ठीक है या फिर आप किसी किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो तो ये सब चीज़ें जो है उनके लाइफ में कहीं ना कहीं है अभी जो पर्सन है वो बहुत करेज है उनमें और पहले मैं चलिए इसमें से जोरिया साइन भी बता देती हूँ आपको यहाँ पे देखिए एरीज लियोसजिटेरियस की एनर्जी बहुत हाई है ठीक है लिब्रा जमेनाई भी है एंड टॉरस रिगो कैप्रिकॉन भी है और देखा जाए तो सजिटेरियस की एनर्जी काफी है यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है बट यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज्यादा नजर आ रही है और एक्स लिबर जिमनाइटो सबकी ही है फिलहाल पर एरिस लियो सजिटेरियस की यहाँ ज्यादा दिख रही है ठीक है मुझे लगता है कि ये जो आने वाले फोर मंथ होंगे ठीक है फोर ऑफ पैंटिकल्स आया है तो आने वाले जो फोर मंथ है मुझे लगता है उसमें आपके लिए अः उनको शायद मौका मिले आपके आपसे मिलने का ठीक है कुछ लोग होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और मिल नहीं पा रहे उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है बट आने वाले फोर मंथ में कहीं ना कहीं उनका कुछ ऐसा टाइम बन रहा है कि ये वो मिले और कहीं ना कहीं जो देखिए यहाँ पे दो कार्ड इस तरीके से आए हैं जहाँ पे देखिए यहाँ एक तराजू भी है और यहाँ जस्टिस का कार्ड है ठीक है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग है आपके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस है बट क्या है कि आ, जो भी आप लोग इतने दूर रह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस होगा कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जस्टिस होगा और आप लोग बहुत जल्द मिलोगे और जो भी ये जो दूरियां आ रही हैं और आपके अंदर ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है खुद दू, एक दूसरे को मिस करना कभी कोई इमोशन हाई हो जाता है कभी कोई इमोशंस हाई हो जाता है ठीक है कभी आप बहुत खुश हो जाते एकदम तो पॉजिटिव रहते हो उनको उनसे बात जाती है तो और कभी नहीं हो पाती अगर कोई बिजी हो जाता है तो बहुत निगेटिव हो जाते हैं ठीक है ठीके? आप दोनों के बारे में ठीक है तो ये जो ये अनबैलेंस हो रहा है ये आप लोगों के इमोशंस कहीं ना कहीं वो बैलेंस होंगे बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले फोर मंथ में तो कहीं ना कहीं अभी आप मिलने वाले हो ठीक है कुछ लोग के लिए ये फोर वीक्स हो सकते हैं आने वाले फोर वीक्स में हो सकता है कि आप लोग मिलने वाले हो बहुत जल्द और फोर मंथ या फिर ऐसा कुछ होगा जो मतलब आप लोग को एक अच्छी मेमोरी या कुछ याद दे जाएगा फोर मंथ फोर वीक्स ठीक है या फोर से कोई ना कोई कनेक्शन है और जस्टिस भी आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ऐसा मुझे मिलता हुआ नजर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आप लोग का जो रिलेशनशिप है जो हो रहा हो सकता है कि अभी आपके हाथ से कहीं ना कहीं छूटा जा रहा है ठीक है आपका कंट्रोल नहीं है अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि दोनों ही दूर रहते हैं बट हाँ प्यार तो दोनों तरफ से ही उतना ही है तो कहीं ना कहीं ये एम्प्रोडरी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कंट्रोल कहीं कहीं ना कही आपके हाथ में आपके लव लाइफ का अपने, अपने कनेक्शन का आ जाएगा ठीक है चलिए कुछ और भी कार्ड देख लेते हैं जो आपके लव रिलेशन को ये डिफाइन करता है या फिर कुछ आपके पार्टनर के बारे में बताएगा इसमें से हम एक कार्ड ले लेते हैं द स्टार ठीक है तो द स्टार तो होप भी दिखाता है एंड द स्टार ये भी दिखा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना कितना ब्यूटीफुल है और कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और उनके लिए भी उनके लाइफ में स्टार जैसे आप देख सकते हो और आपके रिलेशनशिप में होप बहुत है ठीक है और वो जो जो ये प्यार है ना वो आपको एक दूसरे से बांधे रखा है ठीक है ये जो प्यार है आप चाहे जितने भी दूर हो सकता है मिल नहीं पाते हो एक दूसरे को देख नहीं पाते हो बट आज के जमाने में जो ये सोशल मीडिया है तो उसके थ्रू आप लोग बात कर लेते हो गए टेक्स कर लेते हो वीडियो कॉल कर लेते हो जिससे क्या होता है कि आप लोग की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यहाँ द स्टार का कार्ड आया है तो ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग की आपकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है और उनकी लाइफ में भी आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है ठीक है और जैसे हम जानते हैं राइट उतना ही उतना ही प्यार आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है उतना ही गहरा है मिलियंस ऑफ स्टार जिसे हम गिन भी नहीं सकते हैं मिलियन बिलियंस और न जाने कितने हैं ये <laughs> तो उतने ही आप आपका प्यार है ठीक है उतना ही गहरा आपका प्यार है जो इतना डिस्टेंस होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ हो वो वहाँ हैं पर प्यार है एक्सपीरियंस का कार्ड आया है ठीक है दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में न्यू न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं दोनों को अपने अपने लाइफ में न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिल रहे हैं और ये भी जो आपको आया है आप लोग के बीच में डिस्टेंस वो यहाँ आप वहां तो ये भी आपके जर्नी का कहीं ना कहीं पार्ट है आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है और इसी की वजह से जो आपका बॉन्ड है कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है ठीक है ओके कॉन्शियसनेस तो यहाँ पहले कार्ड आया है गो विद द फ्लो तो जैसे चल रहा है जैसे आगे बढ़ रहा है उसे और वैसे ही बढ़ने दीजिए गो विद द फ्लो एंड कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग की मुझे लगता है जो आप लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी को जैसे आप मानते भी हो आप उसमें आगे आगे बढ़ भी रहे हैं एंड मेडिटेशन भी करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आप लोग में क्या होगा कुछ साइकिक एबिलिटी वाली कुछ हो सकता है उसके थ्रू आप लोग बात करते हो जैसे कि अगर कुछ कुछ जैसे कि आपको महसूस हो रहा सेम वहां पे वो भी कहीं ना कहीं उससे कुछ कनेक्टेड फील कर पा रहे होते तो होंगे ऐसा कभी कुछ हुआ होगा आपने ये नोटिस किया होगा जैसे कि आप अभी यहाँ पे फील कर रहे हो सेम वही चीज अगर वो पेन भी हो हैप्पीनेस भी हो कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हो, होती हैं जो सेम हो रही होती हैं जो आप आपके साथ भी उस टाइम सेम वही चीजें होती हैं हो, जो उनके साथ हो रही होती है ठीक तो है तो आपका कनेक्शन काफी गहरा है ठीक है जो भी आया है आप गोइंग विद द फ्लो तो जो भी जैसा चल रहा है उसके साथ आपको पानी में वैसे ही मतलब जैसे पानी है आप देख सकते हैं ब्लू ब्लू कार्ड और वो जो पर्सन है वो बहता जा रहा है तो जो भी आपकी जर्नी में आ रहा है आप उसके साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जो कि जैसे डिस्टेंस आया है आपने उसे भी एक्सेप्ट किया है और अपने प्यार को आप वैसे ही मैनेज कर रहे हो ठीक है दूरी है तो क्या हुआ प्यार उतना ही है और वैसा ही गहरा है ठीक है और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यहां पर हैं के लव रिलेशन को लेके अच्छे इन दल्ड अ अप ओके कम्युनिटी तो ये जो कार्ड आए हैं ये पहले एक एक करके देखते हैं पहला आया है अच्छी जिंदा वेंट तो ऐसा लग रहा है कि अब हवा का रुख जो है बदलने वाला है और अगर आप परेशान थे इतना मिस कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आप मिलने वाले हो और जो आपकी हालात है ठीक है डिस्टेंस वाले वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्द ठीक है कम्युनिटी हो सकता है कि आप कुछ अलग कम्युनिटी से हो वो अलग कम्युनिटी से हैं कुछ हो सकता है आप लोग के बीच में डिफरेंसेस हो ठीक है कोई भी हो सकता है कास्ट रिलीजन ठीक है बट क्या है अगर कम्युनिटी भी अलग है बट प्यार की कोई भी कम्युनिटी नहीं होती है कहीं ना कहीं ठीक है तो मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी हो सकता है कम्युनिटी आप किसी और रिलीजन से कास्ट से हो सकते हो बट क्या है यहाँ पे जगह भी देख सकते हैं आप अलग कहीं और हो वो कहीं और है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्यार में ठीक है और लव की कोई कम्युनिटी नहीं होती अलग अब अलग अब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का एक सपोर्ट हो जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में और हेल्प करते हैं मदद करते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक और कार्ड आया है टाइम टू तो गो तो अब कुछ समय ऐसा आ गया है कि अब कुछ जाने का समय आ गया है ठीक है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप स्पेशली वो जो अगर आपके अंदर किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी है अपने पर्सन को लेकर फियर है अपने पर्सन को लेकर ये सिर्फ उसके लिए ही कहा जा रहा है कि उन्हें जाने दो ठीक है उन सब चीज़ों को जाने दीजिए और चूँकि जब तक आप ये सब नहीं जाएगी आपके अंदर से इनसिक्योरिटी ये तो वो लव की स्पेस कहीं ना कहीं वो घट रही है जो आपके मन में आपके दिल में जो ये ये लव है वो क्या है उसकी उसकी स्पेस क्या हो जाती कम हो जाती है और वहां पे फियर एंजाइटी स्ट्रेस ठीक है इनसिक्योरिटी ये सब की स्पेस भरने लग जाती है तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए ये कार्ड आया है कि टाइम टू गो उस इन चीजों को जाने दीजिए ठीक है अब उनका समय आ चुका है जाने का क्योंकि तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है आप लोग मिलने वाले हैं ठीक है यहाँ, इस कार्ड से भी देखेंगे आपके लिए ओके अवेकनिंग प्रेजेंस द यूनिवर्स इज विथ यू वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव ओके तो आपके लिए पहले ही कार्ड आ चुका है कि यूनिवर्स क्या है आपके साथ है आप उन्हें मैनिफेस्ट करते रहो आप ये मैनिफेस्ट करो कि आप बहुत जल्द मिलने वाले हो चुकी कार्ड्स में बता ही रहे हैं कि आप बहुत जल्द मिलने वाले हो और वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव ठीक है तो आपको प्रोटेक्शन तो मिली ही रही है और प्यार भी बहुत सारा आ रहा है आपके लाइफ में और आपके आसपास भी ठीक है और यूनिवर्स आपके साथ है आप मैनिफेस्ट करते रहो जरूर कुछ कुतुमी क्लोक ऑफ विजडम ओके यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी ट्रस्ट वॉट यू नो ओके तो हो सकता है आप कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है हम दूर क्यों है हम अलग क्यों है ठीक है, बट क्या है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आंसर है वो आपको पहले से ही पता है ठीक है चलिए हम एक और, और देखेंगे आंसर uh, जो है वो आपको पहले से ही पता है कि ऐसा क्यों है आपके रिलेशनशिप में ठीक है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी कि आपके प्यार में ऐसा क्यों है और ये ये जुड़ा ये कनेक्शन आपका क्यों जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इसमें कुछ डिवाइन चाहती है कि आप मिलो और बहुत चीजें ऐसी हुई होंगी आपके लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हैं जो हमें कनेक्शन जोड़ती है और हम लोग अगर मिले हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है तो ये सारी चीजें आपको फीलिंग्स आती ही होंगी ठीक है तो कुछ चीजों का आंसर आप जानते हो ऑलरेडी लेकिन आप फिर भी ढूंढते हो बाहर ठीक है तो आपसे कहा जा रहा है जो आपके आंसर है वो आपके अंदर ही है आप उन्हें अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें और यूनिवर्स तो आपके साथ है ही तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें और मैनिफेस्ट करें कि आप बहुत जल्द उन, उनसे मिलने वाली हैं ठीक है यहाँ पे आया है आपके लिए पे मे मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ राइज अबव द डार्कनेस द लाइट इज हियर ठीक है तो क्या है आपको क्या करना है कि अपने सेल्फ अपने जो सेल्फ हो आप सोल थ्रू सेल्फ मींस वही बात है सोल की बात कही जा रही है तो आप उनसे कनेक्शन बनाओ चूंकि यहाँ पे कहा भी क्या है कि आप जो जानना चाहते हो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अपने लव लाइफ को लेके ठीक है कि ये दूरिया हमारे बीच आई क्यों है क्या गॉड चाहते हैं कि हम दूर रहे ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मन में रिलेशनशिप को लेके कि गॉड हमें क्यों दूर करना चाहते हैं हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो ये जो भी मन में आपके क्वेश्चन है ये सारे सारे आंसर आपके अंदर खुद मिलेंगे अगर आप इसे मेडिटेट करते हो यहाँ भी कहा जा रहा है मूव इन टू ट्रू सेल्फ अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन uh, बनाए और जो डार्कनेस है उससे अबव उठे उससे ऊपर उठ के जो लाइट है आप उसे देखें ठीक है और फिलहाल सबसे बेस्ट मैसेज तो यही था कि यूनिवर्स आपके साथ है ही तो चलिए और देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनके कुछ लव मैसेजेस ठीक है पर उससे पहले हम कुछ और मैसेज देखेंगे उनके जो आप देख सकते हो यहाँ रेड एंड ब्लैक में है ब्लैक वाले उनके फियर्स हैं, जो उन्हें डर है आपको लेकर और रेड वाले उनके लव हैं, जो जो आपसे कहना चाहते हैं उनके मैसेज okay. है लव ठीक है ओके, चलिए देखते हैं जो भी आया है हम एक करके सब ओपन करके देखेंगे तो पहले रेड से शुरू करते हैं ये रिलेशनशिप के ऊपर है रिलेशनशिप मैटर फॉर मी डिस्टेंस डेजेंट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए रिलेशनशिप जो भी है आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस उनको डिस्टेंस की कोई परवाह नहीं है वो आपसे बहुत, बहुत 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 प्यार करते हैं चलिए अब देख लेते हैं उनके फियर क्या हैं फीलिंग लाइक यू एंड मी हैव है नथिंग टू टॉक अबाउट कभी कभी ऐसा उनको इस बात का डर लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बात करने कोई नहीं होता मतलब टॉपिक नहीं मिलता चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस है इस वजह से बट क्या है कि आ, आप लोग कर लेते हो मैनेज ठीक है उनको इन सब चीजों का डर लगता है कि कभी कभी हमारे पास बात ही नहीं होते करने को उन्हें डर है कि वो आपको खो ना दे ठीक है आई ट्रस्ट यू उन्हें ट्रस्ट है कि वो आप, आप उन्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे मतलब उनको आप चीट भी नहीं करोगे ठीक है रेस्ट ऑफ योर लाइफ उनको ये इस बात का डर है कि क्या होता है कि कि मैंने बोला लाइफ में, में इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे हैं आप क्या कर रही हो आपसे बातें करना ज्यादा और आपकी तरफ उनका पूरा पूरा ध्यान है उनका ध्यान अपनी लाइफ की तरफ है ही नहीं जो भी उनके आस हो रहा है ठीक है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग दूर हो और आप चाहते हो कि आप लोग पूरा पूरा साथ में पूरा पूरा साथ साथ में में दिन और हमेशा ऐसे ही साथ में रहे ठीक है चलिए एक और मैसेज उठा लिया हमने आई मिस यू अल्लाह वो आपको बहुत 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 वो आपको बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत मिस करते हैं चलिए एक फियर भी देख लेते हैं उनका क्या है जो फीलिंग इनसिक्योर वो इनसिक्योर फील करते हो सकता है कभी कभी आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो तो वो आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी इनसिक्योर भी फील करते हैं हाउ डिड आई गेट सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ वो खुद ही सोच रहे हैं कि वो इतने लकी कैसे हैं कि आप उन्हें मिल गए ठीक है चलिए एक फियर देख लेते हैं उनका और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार है आप दोनों के बीच जो कभी पार नहीं कर पाएंगे या तोड़ नहीं पाएंगे उसे तो कभी कभी ये चीजें हैं जो उन्हें डराती हैं ठीक है डिस्टेंस इज जस्ट टेस्ट टू सी हाउ फार लव कैन ट्रेवल तो ये क्या है उनको कभी कभी ये भी लगता है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं गॉड है जो हमारा एग्जाम ले रहा है कि क्या हम दूर रह के भी क्या हमारा प्यार उतना ही गहरा रहेगा या नहीं या तब तक वैसे ही बना रहेगा या नहीं ठीक है तो कहीं ना कहीं कही उनको भी ये लगता है कि एक टेस्ट है डिस्टेंस इज टेम्परेरी बट बर...

वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस तो कहीं ना कहीं आप लोग को वीडियो कॉल्स करते हो टेक्स मैसेजेस करते हो कहीं ना कहीं आप इन्हीं सब चीजों से क्या है जुड़े हुए हो एक दूसरे से चलिए और भी कुछ देख लेते हैं आपके लिए उनके लव मैसेजेस जो आपको कहना चाहते हैं रोमांस द रेवोल्यूशन इन अवर स्टोरी इज रियल रोमांस एक्चुअली अगर आप इतने डिस्टेंस में हो आप लोग मिल नहीं पाते हो सही से बात नहीं हो पाती रोज देख नहीं पाते एक दूसरे को तो कहीं ना कहीं जो आपके बीच का रोमांस है जो प्यार है वही जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत है ठीक है चलिए देख लेते हैं और एक मैसेज आपके लिए क्या है खास लकी पहले भी हमने ये वाला एक कार्ड देखा था जिसमें लकी आया था आई एम लकी टू वो बहुत लकी फील करते हैं खुद को चूंकि आपको उनके पास एक और कार्ड निकाल लेते हैं गिफ्ट यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी आप एक तोहफे की तरह हो उनके लिए ओके okay. यहाँ पे दो कार्ड ऑलरेडी आ गया है तो देख लेते चलिए पहला कार्ड है फेवरेट आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट यू आर माय फेवरेट इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत सारा टाइम अपना देते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों के साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उस तरह से अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं आपके पूरा टाइम वो आप, आपको देना चाहते हैं कहीं ना कहीं ठीक है और आपको नहीं भी दे पाते तो उनका ध्यान पूरा पूरा आपकी तरफ रहता है और उनको लगता है जो रिलेशन आपके साथ है उनका वो सबसे फेवरेट है और सबके साथ इतना कुछ खास उनको भी नहीं फील होता वो फीलिंग वो जो सबसे अच्छी वाली आती है वो आपसे ही उनको मिलती है और आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद है चॉइस लव इज अ चॉइस आई चूज यू ठीक है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चूज किया है और वो आपके साथ बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं और उन्हें कोई और लाइफ में नहीं चाहिए इसीलिए भी दूर रहने के बावजूद ऐसी बात तो है नहीं कि उन्हें और लोग ऑल या फिर लड़कियां या फिर लड़के दिखते नहीं होंगे जो भी पार्टनर हैं आपके ठीक है तो बट क्या है उन्होंने आपको ही चुना है चूंकि आप सबसे ज्यादा स्पेशल हो उनके लिए ठीक है तो ये थे उनके मैसेजेस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा अगर रेजोनेट किया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर न्यू व्यूअर्स एस है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग